दुर्ग कहते दुर्ग कहाँ, जहाँ से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ महादेव की पवित्र नगरी देव बालोद में हत्याकांड की वारदात। बड़ी खबर दुर्ग से बता रहे हैं, जहाँ पर कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है। धारदार हथियार से वार कर पत्थर से सर को कुचला गया है। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, जहां पर महादेव की पवित्र नगरी देव बालोद में हत्याकांड की वारदात सामने आई। पुरानी भिलाई थाना टीम ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों को बेहद करीब से पुलिस की टीम काफी करीब है आरोपियों के। धारदार हथियार से वार कर पत्थर से सर कुचला गया है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से। जी सुबोध जी, बताएं कि बालोदा में ऐसा हत्याकांड का मामला सामने आया है, पुराने भिलाई थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, देव बलोदा महादेव जी, भगवान महादेव की पवित्र नगरी है, लेकिन इस नगरी में कुछ कुछ नहीं कुछ वर्षों पहले से ही अवैध रूप से किए जो गैर कानूनी काम धंधे हैं, खासकर मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री को लेकर, तो दो तीन गुट यहाँ पे काम करते हैं। उसी में से एक गुट का यह व्यक्ति था चिरंजीवी उर्फ ब्रूसली, और काफी समय से इसकी दूसरे गुट के साथ रंजिश चल रही थी। पिछले दिनों विवाद भी हुआ था, जिसकी सूचना पुरानी भिलाई थाने को मिल चुकी थी। बावजूद जिसके वहां पर गश्त नहीं बढ़ाई गई, न ही कोई एहतियातन ऐसे सिपाहियों को तैनात किया गया कि इस तरह की कोई वारदात संभावित हो तो उसे रोका जा सके। इस बीच बीती रात की बात है कि ब्रूसली के साथ सात से आठ आरोपियों के द्वारा मारपीट की जाती है और नृशंस हत्या कर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि भिलाई पुलिस के पास, पुरानी भिलाई पुलिस के पास हुआ कहा जाए तो पुष्ट जानकारी के मुताबिक कि उनके पास ऐसे अब सबूत पहुंच चुके हैं जिनसे साफ पता चलता है कि किन आरोपियों के द्वारा चिरंजीव उर्फ ब्रूसली की हत्या की गई है। अब या तो इस वर्चस्व की लड़ाई में हालांकि एक की जान चली गई है, लेकिन देखना यह होगा कि दुर्ग पुलिस अब उस क्षेत्र में किस तरह की नाकेबंदी करती है या फिर कानून व्यवस्था बरकरार रखने की तमाम प्रयास को पूरा करती है, ताकि दोबारा उस तरह की जघन्य हत्याकांड जैसी घटना न घटे। मधुचंद जी, सुबोध जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार भिलाई में वारदातों की और अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसमें कमी आने का नाम नहीं ले रही। कभी पुलिस बोलती है हम रात्रि गश्त कर रहे हैं वहां पर, उधर कुछ हो जाता है, कभी चाकूबाजी की घटना सामने आती है, इसको लेकर क्या कुछ कहें? बड़ी बात है, पहले ये होता था कि गैंगस्टर और गैंगवार, ये दोनों का चोरी दामन का साथ होता था, गैंगस्टर और गैंगवार साथ हुआ करते थे और कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर गोलियों से या फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करती जाती थी। हालांकि जब ऐसे गैंगवार होते हैं तो पुलिस के पास ऐसे सबूत आ जाते हैं कि जिस दूसरे गुट ने इस वर्चस्व की या अवैध गैर कानूनी कार्यों को लेकर वारदात को, हत्याकांड की वारदात को या चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया है, उस तक पहुंच जाए और उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस से आंखें छुपाकर, नजरें बचाकर वे इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं कि पुलिस भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाती कि किस दिन कहां पर किस तरह से गैंगवार होगा या लड़ाई झगड़ा होगा और एक हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए पुलिस की गश्ती की, खासकर ऐसे मामलों में, तो कहीं ना कहीं गश्ती में ढिलाई की वजह से भी इस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं और हर रोज हो रही हैं। लेकिन पुलिस को, दुर्ग पुलिस को एक माकूल और प्रयास करने की जरूरत है, काबिल प्रयास करने की जरूरत है कि गश्त दल बढ़ाई जाए ताकि कानून व्यवस्था बरकरार रहे। मधु जी, तमाम जानकारियों की आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी।